तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर किया मार्गदर्शन। मॉनसून के पहले ही प्रशासन है तैयार। अगस्त 2020 को भंडारा जिले की वैनगंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिससे भंडारा जिले का करीब 70-80% क्षेत्र प्रभावित हुआ और सैकड़ों लोग नुकसानग्रस्त हुए। कई लोगों के घर, खेत, फसल, दुकान, सब कुछ बाढ़ के चपेट में आ गया। इस वर्ष भी मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। भंडारा जिला ये नदी तट पर बसा हुआ जिला है, जिसे भारी बारिश के बाद बाढ़ आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए जिले के तलाटी, ग्राम सेवक, मंडल अधिकारी व फील्ड पर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने हेतु एसडीआरएफ के डीवाईएसपी सुरेश कराले व उनकी टीम ने वैनगंगा नदी में मॉक ड्रिल कर मार्गदर्शन किया। इस दौरान वहां जिलाधिकारी संदीप कदम, डिप्टी कलेक्टर शिवराज पडोले व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उसी प्रकार मॉक ड्रिल को देखने कई नागरिकों का जमावड़ा भी लग गया। जिल्ह्यात मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती 29-30 आणि ऑगस्टला आणि 1-2 सप्टेंबरला। त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात वैनगंगा नदीला पूर आला होता। त्या पुराचं पाणी भंडारा शहरात पसरलं होतं आणि जिल्ह्यातील ज्या ज्या ठिकाणी सखल भाग आहे त्या ठिकाणी पाणी पसरलं होतं। त्यावेळेस एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या टीमला आपण भंडारा जिल्ह्यात बोलवलं होतं लोकांना रेस्क्यू करायला। मोठ्या प्रमाणात जवळपास 1-2 ते 2.5 हजार लोकांना आपण या एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या टीमच्या माध्यमातून रेस्क्यू केलं होतं। तो एक आपला अनुभव पाठीशी असल्यामुळे अशी घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण भंडारा शहर हे नदी काठावर असलेले शहर आहे आणि यावर्षीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान होईल असं हवामान विभागाने भाकीत केलेलं आहे। त्याचाच संदर्भ लक्षात घेता आज एसडीआरएफ मुख्यालयातून स्पेशल टीम आपण भंडाराला बोलवली होती। या टीमनी जे आपले स्थानिक कर्मचारी आहेत, जे या प्रत्यक्षात आपल्या फील्डवर काम करतात, तलाठी असेल, ग्रामसेवक असेल, मंडळ अधिकारी असेल, त्यांचं पहिले आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हॉलमध्ये थेरॉटिकल ट्रेनिंग घेतलं। त्याच्यात त्यांना रेस्क्यू संदर्भात काय काय गोष्टी करणं आवश्यक असतं याची माहिती दिली आणि मागच्या वर्षी आपण कशा पद्धतीने काम केलं, त्याच्यात कशी सुधारणा केली याबद्दल माहिती दिली। आणि आता ट्रेनिंग झाल्यावर आपण प्रत्यक्षात सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी इथं बोलवून घेतलं होतं आणि त्यांना फील्डवर काम करताना म्हणजे रेस्क्यू ऑपरेशन करताना कशा पद्धतीने अजून व्यवस्थित काम करणं आवश्यक आहे त्याचं मॉक ड्रिल एसडीआरएफ टीमच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलं। एसडीआरएफ टीमचे जे प्रमुख आहेत श्री कराडे साहेब डीवायएसपी, ते या ठिकाणी त्यांचे चमूसह हजर झालेत आणि त्यांनी सगळ्या कर्मचाऱ्यांना आणि उपस्थितांना मॉक ड्रिलच्या माध्यमातून रेस्क्यू ऑपरेशन आणि कशा पद्धतीने करायचं त्याचं सविस्तर मार्गदर्शन केलं। निश्चितच या प्रशिक्षणाचा आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना पुढील काळात फायदा होईल आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये काम करू शकू। हा नमस्कार, मैं डीवायएसपी सुरेश कराळे, एसडीआरएफ फ्रॉम एसडीआरएफ नागपूर। ये जो हमारी एक टीम आई है यहाँ पर जिला भंडारा में, तो जो आयुक्त साहब है नागपुर आयुक्त साहब, उनके आदेशानुसार और जिला अधिकारी भंडारा, इनके समन्वय से ये छोटा सा ये प्री मानसून ट्रेनिंग का एक भाग है कि बरसात आने से पहले यानी कि बारिश शुरू होने से पहले किस तरीके से ये तैयारी करना है, किस तरीके से हम लोग
यहाँ के जो भी नागरिक है, जो भी पूर्व परिस्थितियों में इसके पहले 2020 में यहाँ पे पूर आया है, उसको उसके उपलब्धि में हमने ये देखा है कि अभी ये ज़रूरी है करना, इसलिए हमने ये सारी बातें प्री मानसून ट्रेनिंग की रखी है यहाँ पर। और उसके माध्यम से हमने यहाँ पर जितने भी महसूल विभाग के और जो एक्चुअली फ्रंट लाइन में काम करने वाले जो है, पूर्व परिस्थितियों में काम करने वाले जो भी लोग हैं, तो उनके संबंधित अधिकारी और उनके कर्मचारी, इनको ये बताया है कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस, अभी कोविड-19 का संक्रमित आजार है उसमें भी, उस बीमारी में भी हमने अपने आप को कैसे संभालना है और लोगों की भी कैसे सुरक्षा करना है, ये दोनों बातें इसमें बताई गई है। पहले एक घंटे का थेरोटिकल यानी कि थेरी चली है, जो भी मुद्दे हैं उसमें सब लिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर अभी आपने देखा है कि वो प्रैक्टिकल चला है, तो प्रैक्टिकल में भी हमने पूर्व परिस्थितियों से संबंधित लर्निंग का पूरा प्रशिक्षण उनको दिया है। एक छोटी सी मॉक ड्रिल ली गई है यहाँ पे, जो भी आपने देखी है, और उसी के माध्यम से ये सारी टीमें यहाँ पे आई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और गूगल प्ले स्टोर से BScrimeIndiaNews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।